फोन तो काफी दिनों बाद, बहुत दिनों बाद, मुझे खुद को पता नहीं है कि मैंने पिछली बार वीडियो कब बनाई थी। तो बीच में लग रहे थे हम शादी में, तो शादी फाइनली कंप्लीट हो गई है और अच्छे से हो गई है बालाजी महाराज की कृपा से। शादी के बाद जितने भी लोगों को पैसे देने लेने करने जो भी थे वो सब हो चुके हैं। एक दो बंदे हैं जिनके पैसे अभी देने हैं, तो उनके पैसे इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि देने हैं, पैसे पड़े हुए हैं, दे इसलिए नहीं रहे कि जिन लोगों ने शादी में और काम में थोड़ा मतलब चक्कर लगाया ना, उनके पैसे अटके हुए हैं, बाकी सबके पैसे लगभग लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। तो उन लोगों को भी तो पता चले कि वास्तविक रूप से ललित जोन है क्या। तो थोड़ा सा फनी मोमेंट, ऐसा नहीं है कि किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी है कि लगभग सभी के पैसे हो चुके हैं, कर दिए हैं, और अभी शादी फाइनली जब पूरी हो गई है ना, तो घर वालों ने काम सौंप दिया अपने को, जो खेत की रखवाली करनी है इधर पीछे, तो ये अपना ही है, तो इसकी रखवाली के लिए भेजा है घर वालों ने कि भैया तेरी अब शादी हो गई है, काम धंधे पकड़ लो वापस अच्छे से। तो एक खेत की सरसों निकाल करके फ्री कर दिए, दूसरे खेत का नंबर है चने वाले खेत का, और ये जब खेत पूरा कंप्लीट, यहाँ पे चने वगैरह सब निकाल के कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद में धने के खेत की फसल आ जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको कटवाएंगे, निकलवाएंगे, और उसके बाद में जो है और भी फसलें हैं, तो धीरे धीरे आती रहेंगी, वो चलता रहेगा सिस्टम। तो ये रही भैया सिचुएशन, और अभी इस हाल में है कि डेली डेली का ऐसा रूटीन है कि 11 से 12 बजे, 12 से 1 बजे तक रोटी खा रहे हैं घर पे, क्योंकि काम इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, शादी की वजह से काफ़ी सारे काम पेंडिंग पड़ गए थे मेरे, खेती के देख लो, और भी काफ़ी सारे काम ले रखे थे मैंने साइडों के, तो वो सब चल रहे हैं, तो उसकी वजह से खाना खाना नहीं हो रहा, लेट हो। आज मैं अभी भी मैं भूखा ही हूँ, खाना खा के नहीं आया हूँ, जैसे टाइम पास समोसे वगैरह कुछ छोटे मोटे फल फ्रूट खा के टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि भूख लगी नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, भूख लगी नहीं रही है। और देखो पीछे, चलो ये सब बातें करते बाद में, अभी पीछे एक ट्रैक्टर चल रहा है, दो हैं, एक तो जॉन डियर का है 750D है, और एक मेसी 240 है। तो ये जो भूसा होता है ना अपने सरसों का भूसा, तो उसको लोड कर रहे हैं ट्रॉली के अंदर, तो चलो देखते हैं, पास में चल के देखते हैं, या पैसा करते हैं, एक गल्ला जो वो भर रहे हैं ना उधर वाला, वो भरा जाएगा, तो इसके बाद में इधर लाएंगे, तो यहीं पे इसका वीडियो बनाएंगे बड़े मस्त। देखो कैसे चल रहा है, पीछे पीछे देखो, पीछे चलो, आने दो इसको, आने के बाद बताते हैं भाई साहब क्या है क्या नहीं है। बाकी भाई जो कुछ भी रहा सब ठीक है, लेकिन अगर आप कभी भी बैंड बाजा करो ना, तो मेरे इस बारी बैंड बाजे में बहुत बड़ी समस्या मैंने देखने को मिली मुझे, कि जो उम्मीद हमने करी थी कि बैंड ऐसा होना चाहिए था, बढ़िया होना चाहिए था, जितना पैसा उसने लिया है ना बैंड वाले ने, उस हिसाब से बैंड बजा नहीं है भैया, तो मज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन आप जब भी करो ना बैंड, तो उसकी रेट उसी हिसाब से दो जैसा बैंड है, बैंड तो ऐसा है बकवास, वो रेट मांगते भाई साहब, तो ऐसे मज़ा नहीं आता। इससे अच्छा है कि आप डीजे कर लो, किसी का भी डीजे कर लो, ये बैंड करो तो आप चेचट के एरिया में जो बैंड है ना सरताज वगैरह, तो उनके बैंड करो, या आसपास के छोटे मोटे बैंड नहीं करने चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे मेरे पास टाइम भी था, मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन बस बैंड कर लिया एक टाइम पे कि यार पता नहीं बाद में मिले ना मिले, ऐसा करके मैंने पहले कर लिया था 3 महीने पहले, तो उसमें दिक्कत ये आई कि वो बजा अच्छे से नहीं बजा, और काफ़ी सारे लोगों ने ताने मारे मुझे कि यार तूने कैसा बैंड कर लिया, पैसे वगैरह में तूने कंजूसाई करी है। मैंने कि कौन सी कंजूसाई करी भैया, पैसा उसने ठोक के लिए अपने से, लेकिन वो बजा नहीं ढंग से, लेकिन क्या कर सकते हैं, होने वाला काम हो गया, एंड टाइम पर फिर भांगड़े वालों को बुलाना पड़ा, तो ऐसा हो जाता है सिचुएशन। तो आप सबसे बेस्ट है कि जैसा भी मिले टाइम पे वैसा ठीक है वैसे, लेकिन अगर करना ही है ना तो कोई अच्छा, मतलब अच्छा सा करना चाहिए बैंड बजा, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है, दो बातें सुनने को नहीं मिलती है लोगों की, नाचने वालों की सबकी उनकी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं शादी से जुड़ी हुई रिलेटेड चीज़ें जो मेरे सामने मैंने फेस किए। तो अगर आप कभी बोलोगे तो मैं बिल्कुल इस पर एक वीडियो बनाऊंगा बड़ा मस्त,
ताकि कभी भी कोई मतलब बंदे की अपने यार दोस्तों की शादी होती है ना, तो उसमें किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े एंड टाइम पे। अभी मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी थी, तो वो एंड टाइम पे मुझसे वो अपनी जो होती है ना कटार, कटार मांग रहा था, उसके पास कटार ही नहीं थी एंड टाइम पे। तो ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ चीज़ें होती है ना जो अपने को पता होती है, कुछ चीज़ें पता नहीं होती है, तो उनमें काफ़ी सारा जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को। कटार नहीं होती है, और एक जो क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो सापा होता है मारने वाला वो है, और वो उस पर मोड़ लगे होते हैं वो है। ये ऐसी बारीक बारीक चीज़ें होती है ना, इनको मतलब आप कभी भी किसी की शादी होती है ना, तो पहले ही जब कोई बंदा आपसे मतलब साल भर पहले ही उसने शादी करी हो, तो उससे पूरा डिटेल बायोडाटा लेना चाहिए। तो जब भी आपकी कभी शादी हुई ना, तो उससे मतलब पहले आप किसी ऐसे बंदे से कांटेक्ट कर लो जिसकी शादी हाल ही में शादी हुई है, तो वो आपको सारी चीज़ें बता देगा कि यार क्या क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है, कहाँ पर क्या चाहिए होता है। तो एंड टाइम पे आपको, अब दो चार शादियाँ ऐसी थी कि मेरे पे एकदम से फ़ोन आया कि भाई साहब मेरे को पटाखे चाहिए, यार तुम पटाखे कहाँ से लाए थे? अब यार एकदम से पटाखे कैसे मंगा सकते हैं? तो पहले ही से सारे सिस्टम बिठाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप यहाँ से आस पास पड़ोस से लोगे तो वो ऐसा मतलब अच्छे से नहीं बैठता सिस्टम, या तो आपको महंगे पड़ेंगे वो, और लोगे तो कैसे क्या करोगे? इसलिए पहले ही सारा सिस्टम बिठाना पड़ता है इन चीज़ों का, तब जाके आपका सारा जो है शादी का पूरा प्रोसेस है ना, वो उसमें दिक्कत नहीं आती है, वरना भी काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल अपने देसी वाले गेटअप में है, ऊपर बनियान नीचे ऐसा सब भरता है, पहन रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, बढ़िया मस्त है, खेतों में रुखाली करने के लिए आया हूँ, शादी वगैरह हो गई अच्छे से। और एक बात और कह दूँ मैं भाई साहब, सभी से कह दूँ मैं, छोटे चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, कि ये जो होती है ना शान शौकत शादी में, केवल एक ही दिन की होती है, तो पैसे वाले आप खर्च करो करो खर्च करो, खूब खर्च करो भाई। कहने वाले जैसे कहते हैं कि बार बार नहीं होती है शादियाँ, लेकिन अपने हिसाब से ही करने चाहिए, लोगों के कहने पे नहीं करने चाहिए कि यार वो लोग कह रहे हैं कि यार ऐसा भी कर वैसा भी कर, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आप मतलब बाद में खर्चा उठा सको, इतना ही खर्चा आपको करना चाहिए शादी में। ऐसा नहीं है कि आप लाखों रुपए फूंक रहे हो शादी में, फिर बाद में आपके कर्जे हो रहे हैं, और फिर उसमें आपके मतलब जो पूरा सिस्टम हैंग हो रहा है, ऐसा काम मत करना, बढ़िया काम करो, मस्त तो मतलब घर वालों को भी अच्छा लगे। एक तो आप घर पे लड़ 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 के मर रहे हो, भैंस के आगे लड़ रहे हैं रोज की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कर्जे वाले आ रहे हैं मांग रहे हैं, ये हो रहा है धामा हो रहा है शादी के बाद, तो ऐसा फिर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है कर लो, मतलब नॉर्मली करना चाहिए शादी, ऐसे मतलब हाई लाइट नहीं लड़ना चाहिए कि अगर भैंस के वो तो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी श्रद्धा है उतना हिसाब से कर लो, कोई कोई बुरा नहीं मानता है, कोई अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो कर्जे होते हैं ना, जो पैसे चुकाने होते हैं, वो अपने ही दम पे चुकाने होते हैं, दूसरा कोई सामने वाला नहीं देने से आ जाएगा यहाँ पे कैसे। तो इस हिसाब से मतलब घर वाली बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि यार मैं भड़का रहा हूँ कि यार ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, तो तुमने तो कर लिया हम नहीं कर सकते क्या, ऐसा नहीं है। जितना जिसकी जितनी श्रद्धा है ना, उस हिसाब से कर लो भैया, कोई मतलब नहीं है। शादी में भी देख लो, खाने में भी देख लो, खाने में कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब मस्त एक खाटा पूड़ी बना दोगे ना, मतलब कड़ी पूड़ी बना दोगे ना, तो उसमें भी कोई बुरा नहीं लगेगा कि कड़ी पूड़ी बना रहा है, अच्छे से कोई मिठाई उठाई दे दो उसके साथ में, जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना वही दे दो, मस्त एक नंबर, कोई सीन नहीं, ऐसा मतलब कोई बुरा नहीं मानता है, खाने वाला है कोई बुरा नहीं मानता है, जो समझता है ना वो कभी बुरा नहीं मानेगा, लेकिन वो जो जो लफंडर होते हैं ना वो तो कहेंगे भैया कि यार ऐसा ऐसा किया उसने, ऐसा बनवाया शादी में ऐसा ऐसा, तो उनके लिए ये बात है। बाकी ठीक है, तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हवा का फ्लो ज़्यादा है ना, तो इतने अच्छे से आवाज़ आ नहीं रही है, मेरा गला सूनने लग गया, पानी पीने का लेके भी नहीं आया वहाँ पर। अब यहाँ पे थोड़ा 1-2 घंटे रुकना पड़ेगा, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।